देश में 4000 से ज्यादा सीट करेंगे, 4000 से ज्यादा सीट करेंगे, 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। हम महिला बैठी हुई यहां से बैठेंगे, अरे हथवा बोला, अरे बैठी है, हाँ तो हथवा उठाओगी ना, यहाँ अब उठा दी, ठीक है। मुख्यमंत्री जी आपको क्या हो गया है, फिर 4000 लेके चले गए? अरे जेडीयू के जो दूसरे नेता मंच पर हैं और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितवाने के लिए कितना सांसद बनवाइएगा? अरे साहब एक बार गलती होता है, दो बार गलती होता है कि हर बार गलती कर जाते हैं। ये तो गनीमत है कि आपके लोग थोड़े सचेत हैं कि आपको मौके पर ही रोक देते हैं, वरना आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश ही नहीं विदेश से भी सांसदों को पकड़ के लेके चले आइएगा। जेडीयू उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर 400 नहीं बल्कि 4000 के पार चले गए। अब तो इतनी बार नीतीश कुमार 4000 पार बोल चुके हैं कि गांव के बच्चे बच्चे भी नीतीश कुमार से जब पूछा जाता है कि नीतीश कुमार को लेकर सवाल यह आता है कि लोकसभा में बीजेपी कहती है 400 पार, तो बीजेपी के विरोधी कहते हैं कि अरे नीतीश जी से पूछिए, वो तो 4000 पार की बात करते हैं। तो बीजेपी और जेडीयू में अभी एकमत नहीं है कि कितनी सीटें लाएंगे, इसलिए पहले उन दोनों को आपस में फैसला कर लेने दीजिए। लग रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभाओं में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो 4000 का आंकड़ा भूल जाएंगे, लेकिन जहां बीजेपी ने प्यार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूरी बना ली है, बीजेपी के मंच पर नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह दोनों के मंच से नीतीश कुमार दूर दूर दिख रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री आए थे, नीतीश जी गए जरूर थे, लेकिन अमित शाह आए थे, नीतीश जी नहीं पहुंचे। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, बीजेपी के दूसरे नेताओं के कार्यक्रम से नीतीश कुमार की दूरी शायद इसी वजह से है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पता नहीं कब क्या बोल दें। इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को जिस तरीके से हाथ उठवाकर जबरन अपने उम्मीदवार को जितवाने की बातें करते हैं, दरअसल जेडीयू के उम्मीदवार जिस जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार उनकी कमान खुद संभाल रहे हैं, कैंप किए हुए हैं नीतीश जी और उनको जितवाने के लिए चले जाते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीट की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन बात जब देश की होती है तो नीतीश जी शायद कन्फ्यूज हो जाते हैं, हर बार वही मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी उम्मीद बिहार में उनके विरोधी करते रहे हैं। अब तो उनके विरोधी कहते हैं कि मुख्यमंत्री की बातों को बड़े हल्के अंदाज में लिया जाना चाहिए, उम्र हो गया है। बिहार में एनडीए के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार खूब बयानों में हैं। नीतीश कुमार का बयान तो सबसे ज्यादा एनडीए के विरोध में जब वो थे तब भी था, एनडीए के साथ हैं तो बीजेपी के नेता अब नीतीश कुमार के बयानों के ऊपर बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, लेकिन विपक्ष में बैठी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित वामदल के नेता नीतीश की बातों को हल्के में ले रहे हैं। लेकिन खुद जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों के बाद इस तरह असहज दिखने लगे हैं कि मुख्यमंत्री के पीछे पूरी मुस्तैदी से खड़े होते हैं कि साहब कुछ गलती ना बोल दें, लिहाजा लिखी हुई बातें नीतीश कुमार को बोलने के लिए दी जाती हैं। मुख्यमंत्री भी लिखी हुई बातों के माध्यम से ही अपने किए गए कामों के काम और विकास की बातें और उन बातों की चर्चा करते हैं, तब तक तो सब ठीक होता है, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री लिखी हुई लाइन से बाहर भटकते हैं रास्ता बदल जाता है। पूरा बयान सुनिए, नीतीश जी ने आज फिर प्रधानमंत्री के लिए 400 नहीं बल्कि 4000 सांसद बनवा रहे हैं। देश में 4000 से ज्यादा सीट करेंगे, 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे, आदरणीय मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और सब आगे बढ़ेगा। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई आप श्री दिनेश चंद्र यादव जी को जिताइएगा, वोट देके जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, बोलिए। अरे उधर बैठे हुए हैं, हम महिला बैठी हुई यहां से बैठेंगे, अरे हथवा बोला, अरे बैठी है, हाँ तो हथवा उठाओगी ना, यहाँ अब उठा दी, ठीक है। तो सब उठा दी, इधर वाला भी उठाइए, सब उठा दिए तो इनको जिताइएगा, तब समझ लीजिए हम इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। देखिए ये फिर जीतेंगे, आप लोगों ने महत्व दिया है,
आश्वासन दिया है, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, लेकिन कोई कमी रहेगी हम लोग सब मिलकर के उस चीज को पूरा करेंगे, यही कहना चाहते हैं। और हर जात के लोग, हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोगों से कहेंगे कि हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, इसलिए सब लोग वोट दीजिए। और कोई इधर उधर काम करता है खाली अपने परिवार के झंझट में करता है, लोगों के झंझट में नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा मत से इनको जिताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सर आप हेलो, बहुत बहुत आभार सर। अब पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।